Today's topic is conversion from mid values to class groups. कभी कभी हमें क्वेश्चन में मिड वैल्यूज या सेंट्रल साइज गिवन होते हैं जिन्हें कि हमें डेटा एनालिसिस के लिए क्लास लिमिट्स में या क्लास ग्रुप्स में चेंज करना होता है। तो क्लास ग्रुप्स और क्लास लिमिट्स चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आप सबसे पहले ये चेकआउट करें कि जो मिड वैल्यू है या सेंट्रल साइज है उनके बीच का इंटरवल कैसा है। इनके बीच का इंटरवल अगर इक्वल है तो हमारी जो भी क्लास ग्रुप्स फॉर्म होगी वो इक्वल क्लास ग्रुप्स फॉर्म होगी। इनका डिफरेंस चेक करते हैं, 7.5 माइनस 2.5 दैट इज 5, 12.5 माइनस 7.5 दैट इज 5, 17.5 माइनस 12.5 दैट इज 5, 22.5 माइनस 17.5 दैट इज 5, दैट मींस हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है। तो हमारी जो भी क्लास ग्रुप्स फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमें क्लास ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए दो लिमिट्स चाहिए होती है। फर्स्ट इज लोअर लिमिट दैट इज L1, सेकंड इज अपर लिमिट दैट इज L2। तो L1 और L2 फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है, दैट इज L1 इक्वल्स टू मिड वैल्यू माइनस I अपॉन 2, L2 इक्वल्स टू मिड वैल्यू प्लस I अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्लास ग्रुप की हम L1 फाइंड आउट कर रहे हैं, L1 इक्वल्स टू मिड वैल्यू माइनस I अपॉन 2। मिड वैल्यू इज 2.5 माइनस आई है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसकी L1 आ गई 0। अब इसकी L2 फाइंड आउट करते हैं, L2 इक्वल्स टू मिड वैल्यू प्लस I अपॉन 2 इक्वल्स टू 2.5 प्लस 2.5, I का हमारा 5, 5 बाय 2 क्या हो गया 2.5, दैट इज फाइनल आंसर आ गया 5। तो इसकी L2 क्या आ गई 5, ये हो गई इसकी L2। नेक्स्ट है इस ग्रुप की निकालनी है हमें। अब सेकेंड ग्रुप की L1 फाइंड आउट करेंगे, L1 इक्वल्स टू मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है 7.5 माइनस इसका इंटरवल क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 5। तो इसकी L1 क्या फाइंड आउट हुई 5। तो इधर देखिए जो इसकी L2 है वही इसकी L1 भी हो गई और इधर चेक भी हो गया। नेक्स्ट है इसकी हम L2 फाइंड आउट कर रहे हैं, L2 इक्वल्स टू 7.5 प्लस 5 बाय 2, आंसर होगा 7.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 10। तो इसकी L2 आ गई 10। ठीक है, अब हम इसकी जो L2 है उसको सेकंड ग्रुप की L1 भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी 10। अब इसकी हम L2 फाइंड आउट कर लेते हैं, L2 कैसे होगी, L2 इक्वल्स टू 12.5 प्लस I वही है हमारा 5 बाय 2, तो 12.5 प्लस 2.5 दैट इज 15। तो ये आ गया इसका 15 L2। अब इस ग्रुप की लास्ट ग्रुप की जो L2 थी वो इस ग्रुप की L1 होगी, दैट इज 15। अब L2 फाइंड आउट कर लेते हैं हम डायरेक्ट, L2 इक्वल्स टू मिड वैल्यू है 17.5 प्लस I अपॉन 2, तो 17.5 प्लस 2.5, तो आपका आंसर आ गया 20। तो इसकी हो गई आपकी L2 20। अब लास्ट ग्रुप बचा है, L2 जो है वो इस ग्रुप की L1 होगी डैश। अब इसकी L2 फाइंड आउट कर लेते हैं हम,
22.5 प्लस 5 इसका इंटरवल है डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 22.5 प्लस 2.5 25 आ गई आपकी इसकी L2 लास्ट ग्रुप की। तो ऐसे ही हम जब भी हमें इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है इसी टाइप से हम क्लास ग्रुप्स फॉर्म करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी मिड वैल्यूज थी उनके बीच में इंटरवल सेम था, उससे हमारे सेम इंटरवल वाले क्लास ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं।